हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेक केस के। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि पोको एक्स 3 में आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले डायलर में चले जाना है। डायलर में जाने के बाद दोस्तों, आपको सिंपली जिस भी नंबर की आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं वो आप चाहे तो सिलेक्टेड भी कर सकते हैं और ऑल कॉल रिकॉर्डिंग्स मतलब सभी नंबर्स की भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सेटिंग्स में चले जाते हैं। अगर आप यहाँ से सेटिंग पर एंटर करना चाहते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक कर देंगे और अब आपको यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर देना है। और अब आपको ये मेन ऑप्शन दिख रही, मतलब ये पहली वाली ऑप्शन है कॉल रिकॉर्डिंग नोटिफिकेशंस। अगर आप इसे ऑन कर देंगे तो आपकी ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग होने के बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी कॉल रिकॉर्डिंग हो गई है। तो चाहे तो आप इसे ऑन कर सकते हैं, नहीं तो रहने दे सकते हैं। ये है सबसे मेन ऑप्शन, रिकॉर्ड कॉल्स ऑटोमेटिकली। आपको सिंपली इसे ऑन कर देना है यहाँ से, और जैसे आप इसे ऑन करेंगे आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगी, ऑल नंबर्स, सिलेक्टेड नंबर्स। तो अगर आपको ऑल नंबर्स की कॉल रिकॉर्डिंग करनी है सभी नंबर्स की, तो आपको ऑल नंबर्स पर क्लिक कर देना है। अगर आपको सिलेक्ट करने हैं नंबर, तो आपको सिंपली ये दूसरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और सिलेक्ट करने के लिए कस्टम लिस्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ऐड नंबर्स पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आप नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेना, ओके पर क्लिक कर देना। दिखा देता हूँ आपको, ये मैंने सिलेक्ट किया नंबर को और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे और आपका जो नंबर है वो ऐड हो जाएगा जिसमें जिन जिन नंबर को आप ऐड करना चाहते हैं ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग में। तो आप चाहें तो दोस्तों सिर्फ अननोन नंबर्स की भी कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इस ऑप्शन को ऑन करके। उसके बाद आपकी सिर्फ अननोन नंबर्स की ही कॉल रिकॉर्डिंग होगी। तो ऐसे आपको अपनी कॉल रिकॉर्डिंग जो है सेट कर लेनी है।